अक्सर अपने बेबाक अंदाज और सरकार में रहकर सरकार के नाकामियों पर बेबाक आवाज उठाने वाले सांसद कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर से एक बार जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और मदद में अनदेखी पर अपनी सरकार और शासन पर बरसे। कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जनता यहाँ पे भगवान भरोसे है कि भगवान आएंगे तो उनकी मदद होगी और उन्होंने अपने जीवन में ऐसे अव्यवस्था कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि सरकार में जनप्रतिनिधियों का बोलना बंद है, सरकार का सुनना बंद है, अगर बोल दिए तो बागी बना दिए जाओगे। जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि हमने नाव उपलब्ध करा दी, राहत सामग्री बंटवा रहे हैं, लेकिन आपके इस क्षेत्र में कहीं ऐसा कुछ दिखा नहीं। जिला प्रशासन के बारे में मत ही पूछिए तो अच्छा है। देखिए, पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है। और भगवान के भरोसे लोग हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ़ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। तभी हम लोग गए थे, माझा की तरफ गए थे, तो वहाँ बताया गया कि प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला, विधायक जी हैं और आपकी तरफ से कुछ गाड़ियाँ उन्हें लगाई गई हैं। ये ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज़्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन क्या जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ले रहा? सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले, लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है, केवल बोलना बंद है। जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। ठीक है।